इंटरमीडिएट हो, एक चीज बड़ी अहम होती है, स्टेट बैंक के टेस्ट में भी आता है, सीएसएस में भी, एमकैट, ईकैट, बीकैट, हर जगह। आप चाहे लस का बीकैट ले रहे हो, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हो, नाइन मैट्रिक कर रहे हो, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज। यूजली अब डिपेंड करता है, आईबी के टेस्ट में जरा पैसेजेस काफी टफ आते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इतने नहीं आते, सीएसएस में और ज्यादा टफ आते हैं, नाइन मैट्रिक इंटर पे आसान आते हैं। तो आखिरकार हम कैसे पैसेज में से पूरे नंबर लें? अब पैसेज में सवालात होते कितने टाइप के? यूजली पहला सवाल या तो टाइटल पे होता है या सेंट्रल पॉइंट पे होता है। सेंट्रल पॉइंट जिसके लिए हम बेसिक थीम की बात भी करते हैं, क्या दोनों अलग अलग बातें? बिल्कुल जी अलग अलग बातें। सेंट्रल पॉइंट से मुराद है कि अगर कोई ऐसे है या पैसेज है टेररिज्म के हवाले से, किसके हवाले से? टेररिज्म। टाइटल क्या हो जाएगा? टेररिज्म इन क्राइस्टचर्च, टेररिज्म इन, आप कोई भी बात कर लें, इन सीरिया, टेररिज्म इन बोस्निया। तो अब जो टेररिज्म इन क्राइस्टचर्च की बात कर ली मैंने, वो क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। टेररिज्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट या जो मेन थीम हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे टाइटल पूछ रहे हैं या वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट पूछ रहे हैं कि बताओ यार सेंट्रल पॉइंट क्या है इस पैसेज का, मेन थीम क्या है, ठीक है, किस आइडिया क्या है ऑथर का। अब मेरे भाई दो तीन सवालात जो लाजमी होते हैं वो होते हैं साइनोनिम्स या एंटोनिम्स। अब साइनोनिम एंटोनिम में से अक्सर सवाल तो वो होंगे जिनके जवाब वही होते हैं जो यूजली होते हैं, मतलब कहने का, यानी कि जैसा कि मास्टर के मीनिंग बहुत भारी है तो भारी ही होंगे। इनएविटेबली, इनएविटेबली जो यूज होता है बेसिकली, इसका अलग होता है अनअवॉइडेबल, तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है? अवॉइडेबल ही होता है। मासिफ का टिनी होता है, टाइमिंग, सीज का रिलीज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन पैसेज में जो वर्ड्स हैं पैसेज के अंदर भी इसी तरह यूज हो, ठीक है, कभी यूज होते भी हैं कभी नहीं भी होते। तो क्या होता है कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके हमें मीनिंग नहीं पता, अब जैसा कि एक वर्ड है आर्टिसनल, आ जाए भाई शायद मदर इन लॉ इज वेरी वेरी आर्ट्स artisanal and is always afraid from her. तो अब अगर भाई वो artisanal है और वो उससे afraid है तो artisanal के मीनिंग क्या होंगे? डेंजर होंगे, सांस वैसे भी डेंजर होती है, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या होगा artisanal के मीनिंग यहाँ के किसके तौर पे यूज हो रहे होंगे? डेंजर के तौर पे। ये आ जाए सवाल क्या होगा, शायद इज ऑलवेज artisanal फ्रॉम whom person? तो अब आपने बस देख लिया ना मदर इन लॉ से। या अगर आ जाए ग्रासपोटेंस आते हैं, उन्होंने पूरे रशिया के किंग्स को, जायर्स को हाइप्नोटाइज कर दिया था। अब बोलो आपको हाइप्नोटाइज या हाइप्नोसिस के तो मीनिंग ही नहीं पता। सेंटेंस है रास्पोटेन हाइप्नोटाइजेस द जार फैमिली। अब क्वेश्चन आ जाएगा हु हाइप्नोटाइजेस द जार फैमिली, तो रास्पोटेन। अब भूल जाओगे आपको हाइप्नोटाइज के मीनिंग नहीं पता, या किन पर्सन को, किस फैमिली को रास्पोटेन ने हाइप्नोटाइज किया था भाई? तो किसको किया था? जार्स को किया था। तो साइनोनिम्स में जो सवाल आ जाते हैं, डेसिमेट के मीनिंग जैसे कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्यूल के मीनिंग हमारे एनर्जी के तौर पे भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से आए। सवाल अगर पैसेज में लिखा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सी पैक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फ्यूल, मतलब इसका मतलब है कि फ्यूल के मीनिंग क्या किसके तौर पे यूज हो रहे होंगे? इंक्रीज के तौर पे या तरक्की के तौर पे, प्रोग्रेस के तौर पे। तो वहाँ फ्यूल के मीनिंग एनर्जी के नहीं, प्रोग्रेस के तौर पे दिए हुए होंगे। तो जाहिर है पैसेज को तो हमें भाई बहुत गौर से देखना है। अब बड़ी अहम बात, सबसे पहला सवाल टाइटल का होता है, फिर दो तीन सवाल साइनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं जो आप जरूर कर लो, ठीक है, जो तरकीब मैंने बताई उससे हो जाएंगे। एक दो सवाल ऐसे होंगे जो कि पैसेज से रिलेटेड होंगे, जैसे कि कायदे आजम ने, लिंकन इनसे पढ़ा था जी, कब से कब तक पढ़ा था? 1892 से 1896 तक। तो अगर सवाल आएगा कि कायदे आजम ने कहां से पढ़ा, अब एक नॉर्मल बात जो 99% हिट हो जाती है, पहले सवाल को अलग कर दो, साइनोनिम को अलग कर दो। दो सवाल है जो पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज कितने पैरा का है? तीन पैरा। तो अगर क्वेश्चन नंबर वन है वो पैसेज क्या, तो फर्स्ट पैरा से होगा या सेकंड से होगा, थर्ड से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टू है तो वो लाजमी बात है, तो सेकंड पैरा से होगा या थर्ड पैरा से होगा। जिस तरतीब से क्वेश्चन होते हैं
उसी तरती मतलब यानी जिस हिसाब से आपने पैसे लिखा है ना, पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री, क्वेश्चन वन यूजली पैरा वन से होगा, क्वेश्चन टू पैरा टू से, क्वेश्चन थ्री पैरा थ्री से, ज़्यादातर ऐसे होता है। और अगर एक ही पैराग्राफ है तो क्वेश्चन नंबर वन इसके अलावा बात कर रहा हूँ, टाइटल के और सजेशंस के, सजेशन के बाद में करूँगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है साइनोनिम एंटोनिम्स के अलावा वो दरमियान में से होंगे उसी तरह से। अब लेट सपोज हमने एक बात कर ली एनर्जी क्राइसिस या वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, पूरी बात कर ली, एंड में लाजमी बात है कि क्या होगी, सजेशन भी होगी ऑथर कि वाटर क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकता है, भाई डैम बनाने से हो सकता है, कैसे ख़त्म हो सकता है, डैम बनाने से। तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो सजेशन का ही होता है, रेमेडीज, प्रॉब्लम का हल, और कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो हल हो ही नहीं सकते। वैसे तो हर मसला हल हो सकता है, कंडीशन अच्छी हो, लेकिन अगर फर्ज करें कोई ऐसा मसला दिख रहा है कि भाई वो हल ही नहीं हो रहा, जैसे कि सीरियन क्राइसिस है, हल हो सकता है, मन एंड में आपने बस ऑथर ने क्या दिया होगा, ये सीरियन क्राइसिस है, ये डिस्ट्रक्शन हो गई है, ये हो गई है, तो एंड में उसमें सजेशन नहीं होगी बल्कि क्या उसने रिजल्ट बताया होगा, या जो एक इवेंट पास में हो गया, ईरान इराक वॉर थी जी, इसके नतीजे में एंड में रिजल्ट में इतनी कैजुअलिटीज हुई, इतने लोग मरे, दोनों मुस्लिम कंट्रीज का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वो चीज़ फलस्तीन क्राइसिस पर मैसेज होगा। तो देखो उसमें एक बैकग्राउंड पे क्वेश्चन लाजमी आएगा अगर कोई इस तरह का पैसेज है। अब अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तभी जनरल नॉलेज की वीडियोस में नहीं देखा करें, तो आपको पता होगा यार फलस्तीन क्राइसिस है क्या, आप पैसेज से नहीं पहचान पा रहे। जैसा कि अगर आ जाता है कि जी पैसेज में लिखा है कि जी अम्मास इज वेरी वेरी रेडिकल एंड PLO इज लिबरल, अब आपको नहीं पता कि जी लिबरल के मीनिंग क्या होते हैं या रेडिकल के मीनिंग क्या होते हैं, कंजर्वेटिव के मीनिंग क्या होते हैं, बट आपको पता है कि अम्मास जो एक मजहबी जमात है, PLO जो है वो बड़ी हद तक सेकुलर जमात है, ठीक है, बहुत मॉडर्नाइज है। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो कर लेंगे, हाँ एक बात, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं जाता, हो सकता है कि कोई चीज़ पैसेज वाले ने ऐसी लिखी हो जो कि गलत भी है, लेकिन चूँकि पैसेज वाले ने लिखी है आपको उस चीज़ को पैसेज के हिसाब से ही जवाब देना है। वो बोल रहे हैं कि भाई सबसे जो फास्टेस्ट बॉलर है वो मेरे भाई हिस्ट्री के डेलिस्टेन है, जबकि ऐसा नहीं है, शुएब अख्तर थे, शॉन टेट थे, लेकिन अगर पैसेज वाले ने लिखा है कि भाई ग्लैन मैग्रो को कर दिया उसने, तो आपने ग्लैन मैग्रो लिखना है, ये बात भी ध्यान में रखें, वहाँ अपनी नॉलेज नहीं लगाएं, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसेज में उसने कोई ऐसी चीज़ लिखी हो, क्योंकि ऐसे ऑथर्स के पैसेज लिए जाते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपका किसी वक्त से नज़रियाती इख्तलाफात हो, लाइक क्रोसेड्स के ऊपर पैसेज है, तो ऐसे मुस्लिम आपकी कोई अलग थिंकिंग होगी, क्रिश्चियन की अलग होगी, कश्मीर में पाकिस्तानी की अलग होगी, इंडियन की अलग होगी, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि जहाँ पे उसका जो ऑथर है उसने कुछ अलग व्यू में लिखा हो, तो आपको ऑथर के व्यू को सामने रख के जवाब देना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो पैसेज से पूरे मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक्स अ लॉट।